हेलो गाइस, स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग 5006 में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे लैपटॉप में जो है ओपन होते ही आई स्टार्ट का सिंबल आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा सिंबल आ जाता है। तो ऐसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही मेरे लैपटॉप में आई स्टार्ट का सिंबल आ जाता है। अभी मेरे लैपटॉप में आई स्टार्ट का सिंबल आ जाएगा, आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में आई स्टार्ट का सिंबल आ चुका है। जो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर लो तो ये आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हटाएंगे कैसे? मैं बहुत थक गया था इसको, मतलब काफ़ी बोरिंग से लगता है आ जाता है और इसको यहाँ से हटाना पड़ता है ओके करके। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ से ओके करके यहाँ जाते हैं हम लोग, यहाँ फिर एक ऑप्शन आता है जैसे ये आया हुआ है, देख सकते हैं ये आया, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द ऐप। फिर से ओके करना पड़ता है, यस करना पड़ता है, तब ये हट जाता है अपने आप। जैसे मैंने ये यस कर दिया तो ये हट जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, ये हट जाएगा और देख लीजिए जैसे कि ये हट चुका है, मतलब हट जाएगा थोड़ी देर बाद। और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि थोड़ी देर बाद हट जाता है ये, लेकिन फिर स्टार्ट करने में फिर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसे सिंपली ही पूरी तरह से कैसे हटाएंगे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हटाया जाता है। सिंपली फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, इस पर विंडो बटन पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है हमें सिंपली जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को कहाँ जाना है? ऐप्स में, ऐप्स वाले फंक्शन में जाना है फ्रेंड्स। जैसे ये ऐप्स वाला फंक्शन है, इस पर हम जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद फ्रेंड्स, हमें जाना है ऐप्स एंड फीचर्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐप्स एंड फीचर में जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और इसे स्क्रॉल कर देना है नीचे फ्रेंड्स, जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स दिखेगा कि सर्च बार, ये देखिए फ्रेंड्स सर्च बार दिखेगा आप लोगों को। तो ये सर्च बार को जो है आप राइट क्लिक करके और इसे इंस्टॉल कर दीजिए फ्रेंड्स। राइट क्लिक करा आपने एक बार और उसके वो क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसे आप इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करते ही आपका सिस्टम यस कर देना है आप लोगों को। यस करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो इंस्टॉल हो चुका है, देख लीजिए। अब हम अपना एक बार लैपटॉप रिस्टार्ट करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, सो डन कर दिया, मैं ओपन करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना लैपटॉप जो है रिस्टार्ट किया है और ये ओपन हो रहा है, आप लोग देखिएगा, लाइव प्रूफ है और स्किप भी नहीं करूँगा मैं। तो फ्रेंड्स, इसको स्किप करने के बाद, मतलब इसको हटाने के बाद देखिए क्या आता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, वो जो आई स्टार्ट का सिंबल था वो गायब हो चुका है। थोड़ी देर में आप लोगों को और दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। देख लीजिए, और आई स्टार्ट अब नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं अब नहीं आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।